In the given reaction, sodium hydride plus H2O से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 बन रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ये हमें बताना है। अब अगर ध्यान से देखो, सबसे पहला काम है बैलेंसिंग। सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 है, इधर इधर भी 3 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 1। तो दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। नाउ इनिशियली यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1, एक हाइड्रोजन पे, दो पे प्लस 2 आ जाएगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा ओवरऑल मॉलिक्यूल। ये माइनस 1, ये प्लस 1, ये 0। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन पे माइनस 1 चार्ज है, माइनस 1 से ये 0 हुआ है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर जाके इसका चार्ज कम हुआ, ठीक है, 0 हो गया। पहले क्या था, क्लोरीन का केस कंसीडर करो, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा था, उस पर एक नेगेटिव चार्ज था, फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जो उसने लिया था, फिर तो वापस से वो न्यूट्रल हो जाएगा ना, उस पर चार्ज 0 हो जाएगा। सो इस केस में उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन की। अब इस केस में इस पे प्लस 1 चार्ज है, प्लस 1 से यहाँ पे 0 हो गया, तो प्लस 1 से 0 होने का मतलब क्या है, कि पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, दैट इज उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। सो इस एग्जांपल में सोडियम हाइड्राइड H2O NaOH प्लस H2 में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ। सो ए इज द करेक्ट आंसर है।